always try to meet teachers क्योंकि हम मेरा यूएसपी स्कूलिंग है, हम स्कूलिंग पर ही ज्यादा बात करते हैं। तो एक दो चीजें आपको और बताऊंगा, पढ़ने की आदत जरूर रखिए। हमको पता है आपका काम बहुत मुश्किल का है, मैक्सिमम टाइम आपका लिया जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे और अगर ये आपके ध्यान में रहेगा कि कोई नई बात जरूर सीखनी है, स्कूलिंग से के ऊपर बहुत अच्छा लिटरेचर है। हमने एक रेफर किया था, आप लोगों ने नोट भी किया, हमको पता नहीं कि आपने से किसी ने उसको गूगल करके खोजा कि नहीं खोजा, दिवा स्वप्न। हाँ खोजा सर, खोजा था। हाँ सर, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, पढ़िए उसको। पढ़ने का फायदा ये है कि आप जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे या एक वर्कशॉप अटेंड करने का, मैं अपने कॉलीग से पूछता रहा कि भाई जा रहे हो, क्या करवा रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, क्या। और कल भी आप लोगों से जब बात हुई है, आज सुबह राधा कृष्ण जी से भी बात कर रहा था कि ये भारत दर्शन नहीं है, बड़ा हार्ड वर्क है, दूसरे लोग नहीं समझते हैं, नॉन टीचिंग नहीं समझता है। अगर आप तब तक आप तैयारी करिए तो जीत लीजिए, अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, हमारी उपादेयता या हमारा महत्व समाज में स्कूल में तभी है जब हम एक नई बात कह सकते हैं दूसरों को। अगर आप ये लर्निंग का प्रोसेस जिंदा रखेंगे तभी आप ये काम कर पाएंगे। हर सप्ताह कोई ना कोई एक नया आर्टिकल, महीने में एक कोई ऐसी किताब जो आपके काम की है वो जरूर देखिए, जरूर पढ़िए। हाँ, वही करके आर्टिकल्स बड़े अच्छे अखबार में आते हैं स्कूल पर क्या हुआ। जैसे ये मुजफ्फरनगर की घटना हुई थी, उस पर आपको जरूर सोचना चाहिए, क्रिटिकली सोचना चाहिए। आपका ट्रेनिंग है टीचर के तौर पर, तो आप भले लिखे नहीं, उस पर आपके विचार रखने का मौका नहीं लगे, कम से कम एक पैराग्राफ लिख के रखिए। देखिए टीचर्स का, टीचर्स डायरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टीचर्स डायरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने एक किताब सर को गिफ्ट किया है, शिक्षा समाज और राजनीति, हम 2011-12 में जो लिखते थे उसको किताब के रूप में छापा है। हमारी आपकी क्या उपाध्यता है, हम आप पढ़ जाएंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो हम लिख के जाएंगे, लिखने की क्षमता हमारे दो ही गुण है, हम अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। जो आपके एक्सपीरियंस से एज ए टीचर उसको रिकॉर्ड जरूर करिए, कहीं ना कहीं छोटे एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में, कोई ऐसी घटना दुर्घटना कोई ऐसा इश्यू खड़ा होता है उसको रिकॉर्ड करिए। टीचर्स डायरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और कल भी जो आपसे करा रहे थे एक्सरसाइज कि ये जो रिकॉर्डेड होगा वो 5 साल बाद 10 साल बाद बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा। मेरी किताब हमने दिया है, जरा उसके 2-4 पन्ने पढ़िएगा, 10 साल पुरानी बात है। 10 साल पहले जो मैंने कहा था कि ये चीजें अगर नहीं बदली तो शिक्षा ठीक नहीं होगी, कुछ चीजें बदली कुछ चीजें नहीं बदली है, बदली तो क्यों बदली, आप ही कक्षा कक्ष में है, आप ही जीवन बदल रहे हैं। तो आप जो बच्चों के बारे में लिखेंगे वो टीचर डायरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, आपको पता है आप बहुत व्यस्त रहते हैं, एक पैराग्राफ भी किसी भी बात पर लिखेंगे क्या। हाँ सर जरूर लिखेंगे। आपके जीवन में जो होता है, आपके जो अनुभव है किसी एक बच्चे के बारे में, वो शायद आज आप नहीं रियलाइज करें कि वो कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। बच्चे के का नाम बदल सकते हैं आप, बाद नाम बदल करके लिखिए, लेकिन रिकॉर्ड रखिए, वो आने वाले समय में दूसरों के लिए बहुत आवश्यक होगा। और जिन जिन देशों में शिक्षा बेहतर हुई है वहां सबसे पहले टीचर डायरी पढ़ा गया है, ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मेरा आग्रह होगा कि आप सब ये जरूर करें, कुछ अच्छी चीजें पढ़ें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे कि स्कूल एजुकेशन के लिए दिवा स्वप्न बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िए और ऐसे आर्टिकल को पढ़ा करिए, रिकॉर्ड जरूर करिए, रिकॉर्डिंग रखिए। थैंक यू।